स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज से मैं इस लेक्चर में कवर करने वाली हूँ जितने हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस होंगे और जो कि हमारे एग्जाम्स लाइक एसएससी यूपीएससी इन सब में पूछे जाते हैं, उन सबको मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, टर्मिनोलॉजी होंगे, उन सभी को मैं कवर करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है DVU, जिसका फुल फॉर्म होता है डीप वीडियो अंडरस्टैंडिंग, UVD, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड वीडियो डिकोड, एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है VDU। तो VDU जो होता है विजुअल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर को ऑल्सो वी कैन से VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो भी हमारा जो ये डिस्प्ले है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है CCTV। इन सब का मैंने फुल फॉर्म दिया है क्योंकि एग्जाम्स में वन लीनियर में आ जाते हैं कि CCTV में सी का फुल फॉर्म क्या होता है, टी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो CCTV का फुल फॉर्म क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अदर्स। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, CD-ROM, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, रेड डिस्क, इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। यह आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा डिस्क होता है जो हमारा क्या होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए एज अ मेमोरी डिवाइस इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 8-byte मेक्सअप, जो हमारा 8 bits मेकअप, जो हमारा 8-bit होता है। बिट हमारा क्या होता है, 0 और 1, दो टर्म होते हैं कंप्यूटर दो ही भाषा समझते हैं, 0 और 1। उनका जो 0 और 1 होता है बाइनरी डिजिट, वो उस पर बाइनरी डिजिट पे वर्क करते हैं। बाइनरी मीन्स 2, बाय मीन्स 2, और नरी मीन्स 0 एंड 1 से रिलेटेड जितने भी हमारे परफॉर्मेंस होते हैं या ऑपरेशन होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमारा जो 8-bit है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1, यहाँ पे जो 8 blocks हैं इनको कंबाइन करके हमारा क्या होता है, 8 bits को कंबाइन करते हैं तो हमारा 1 byte होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 8-bit जो होता है वो 1 byte के इक्वल होता है। तो ये हो गया बाइट। मेगाबाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 megabyte इक्वल्स टू 1024 kilobyte। किलोबाइट में कितने होते हैं, 1 kilobyte में 1024 बाइट्स होते हैं। और ये बाइट जो वर्क करता है टू टू दी पावर वन, क्योंकि हमारा जो बेस होता है कंप्यूटर में वो 2 होता है, और जितने भी हमारे टू टू दी पावर एन के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। जो हमारे मेमोरी होते हैं, एक होते हैं रीड ओनली मेमोरी और एक होते हैं रीड और राइट। रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम कोई भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, बस उससे क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं। तो हमारा जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये बस रीड करने के लिए होता है, इसमें राइट नहीं कर सकते। और जो हमारा रोम होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो ये इनका रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैंने यहाँ पे जो ऑप्शंस पुट किए हैं मैंने उनके भी फुल फॉर्म्स लिखे हैं क्योंकि एग्जाम्स में वन लीनियर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये आती ही है। DVD जो होता है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इनके फुल फॉर्म है। एंड नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो हमारा प्रिंटेड आउटपुट आता है, जो भी डेटा MS Word में या MS PowerPoint में कुछ भी लिखते हैं और हमें उसे प्रिंट आउट के थ्रू जो हम आउटपुट लेते हैं, तो वो जो फॉर्म होता है हमारा वो कौन से फॉर्म में होता है, तो हमारा हार्ड कॉपी होता है। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये हमारा हार्ड कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी जो वो होता है जो हम सॉफ्टवेयर में पढ़ सकते हैं, मीन्स कि हमारे पास PDF है वो हमारी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, MS Word इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमारा जो MS Word है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो हमारा MS Office या MS PowerPoint हो, MS Excel, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
जिसे हम एज ए एप्लीकेशन यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, एमएस वर्ड, ईमेल, जीमेल, एमएस वर्ड, जो हमारे जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब, ये सारे क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जो हमारे मेमोरी के जो यूनिट होते हैं उसे क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जांपल है, टीबी जिसे टेराबाइट बोलते हैं, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट एंड केबी किलोबाइट। तो हमारी जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी बिट होती है, जिसमें दो वैल्यू होते हैं, जीरो एक वैल्यू होते हैं, या तो जीरो या तो वन होते हैं। और हमारा जो एट कॉम्बिनेशन ऑफ एट बिट जो होता है हमारा, वो एक बाइट के इक्वल होता है। और एक बाइट जो होता है हमारा, एक किलोबाइट, वो 10^10024, जो हमारा 2^10 होता है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 1024 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, 1024 किलोबाइट। तो हमारा जो सबसे जो बड़ी यूनिट होती है वो हमारा क्या होता है, 1 TB। टीबी जो की जो वैल्यू होती है वो 1024 गीगाबाइट होती है। उसके बाद हमारा जीबी होता है, उसके बाद एमबी एंड देन केबी होता है। तो ये हमारा सही ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। हमारा जो हार्ड डिस्क होता है या फ्लॉपी डिस्क होता है, जो उसमें जो डिस्क को जो डिवाइड करते हैं इनटू ट्रैक एंड सेक्टर्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा एक डिस्क है, इसमें जो है ट्रैक एंड सेक्टर इस फॉर्म में, जो जैसे ये वर्क करता है, हाउ ट्रैक वर्क्स, हाउ सेक्टर, वो ऐसे वर्क करता है। हमारे लेयर्स होते हैं और इसे जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस है उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर कंप्यूटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।